अब बहुत जल्द एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे मोबाइल वॉलेट्स में पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। मतलब कि अगर आप पेटीएम यूजर हैं, तो आप किसी दूसरे डिजिटल वॉलेट में भी पेमेंट कर सकते हैं। सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को तेजी देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत जल्द यूपीआई से सभी डिजिटल वॉलेट को एक साथ जोड़ देगा। इसके लिए आरबीआई जल्द ही डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर और केवाईसी नियमों के लिए गाइडलाइंस लाने वाली है। सूत्रों ने बताया कि आरबीआई ये भी तय करेगा कि यूपीआई फ्रेमवर्क के जरिए डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर पर कितनी फीस लगानी होगी। एक सूत्र ने बताया कि यूपीआई फ्रेमवर्क शुरू करना और डिजिटल वॉलेट्स में लेन देन संभव बनाने की ओर आरबीआई गंभीरता से विचार कर रहा है और ये 2-3 महीनों में एक्टिव किया जा सकता है। फिलहाल डिजिटल वॉलेट्स यूपीआई नेटवर्क को पार्टनर बैंकों के जरिए लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं। यूपीआई के जरिए सीधे लेन देन को प्लेटफॉर्म मिलने का मतलब ये होगा कि मोबीक्विक यूजर पेटीएम या फ्रीचार्ज यूज करने वाले मर्चेंट को भी भुगतान कर सकेगा। इससे इन मोबाइल वॉलेट्स की यूज और बढ़ सकेगी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।